हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस रेसिपी। ये वन पॉट मील है जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मिलेट से बनी हुई रेसिपी आप सबकी फेवरेट बन जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हम कंगनी बोलते हैं, या बार्नयार्ड, जिसे हम समा बोलते हैं, कोई भी मिलेट ले सकते हैं। इस मिलेट को आपने अच्छे से वॉश करना है। ये देखिए, इस तरह मलमल के वॉश करना है और इसकी मिट्टी निकाल लेनी है। इसको हम दो चार पानी धो लेंगे। जब ऐसे पानी साफ निकल जाए तो इसको हम 6 से 8 घंटे के लिए भिगो देंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने पूरी रात भिगी हुई आधी कटोरी बार्नयार्ड मिलेट ली है। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। इसमें हम डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक बारीक कटा हुआ एक प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज है। प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा इसमें हम ऐड कर देंगे मटर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक बारीक कटी हुई सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, ये मैंने बेबी कॉर्न्स ली हैं। 2 मिनट इसको भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिलेट, मिलेट को भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने इसमें डाला है देगी मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिसमें हमें टमाटर भी ऐड करना है। तो टमाटर ऐड करने से पहले हम मिलेट्स को थोड़ा सा सेमी कुक कर लेंगे। 1 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है इसमें, तो इसको हम पहले पानी डालकर कुछ देर पकाएंगे। 5 मिनट में जो हमारे मिलेट है वो सेमी कुक हो जाएगी, पूरी तरह अभी कुक नहीं हुए है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाएंगे, इसमें हम ऐड करेंगे मक्की के दाने। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, आप चाहें तो मक्की, नॉर्मल मक्की के दाने भी ले सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, और ये मैंने लिया है 1 कटोरी बॉयल किया हुआ राजमा। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टमाटर जिसको मैंने पीस कर छान लिया है। मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढककर 10 मिनट पकाएंगे, या जब तक पानी ना सूख जाए। ये देखिए हम चेक कर लेते हैं, इसका पानी सूख चुका है। ये देखिए, इसको फोक से फ्लफ़ करेंगे। मिलेट्स को बहुत ज़रूरी है जब उसका पानी ड्राई हो जाए तो फोक से एक बार फ्लफ़ करें। गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली 1 पॉट मील मैक्सिकन स्टाइल मिलेट राइस रेडी है। ये आप बनाकर देखिए, ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप अपने गेस्ट को भी ये रेसिपी खिलाएंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा कि मिलेट की इतनी टेस्टी रेसिपी भी बन सकती है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी और भी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे और भी नई हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ, यो हेल्दी होम फूड पर। तब तक के लिए बाय।